हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर और मेरे चैनल का नाम है अजय ट्यूटोरियल। मैं कर रहा हूँ मुश्किलें आसान, क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के डिफ़िकल्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देखते हैं, आज का टॉपिक है चैप्टर वन, फिजिक्स चैप्टर वन का, रोटेशनल डायनामिक्स का, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो बहुत सारे बच्चों को मोमेंट ऑफ इनर्सिया इम्पॉर्टेंट है ये पता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता क्या है ये नहीं पता है, राइट? तो हम यहाँ पे डेफिनेशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को क्या सीखना है और क्या याद रखना है, क्या समझना है, क्या लिखना है, ये सब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलो ध्यान देते फटाफट। एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखता हूँ मैं और एक डायग्राम भी ड्रॉ करता हूँ। सपोज मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना इंपॉर्टेंट मैं बता सकता हूँ। जैसे काइनेटिक एनर्जी में मास का इंपॉर्टेंस जो होता है, मतलब हर जगह पे मास अप्लाई होता है। फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करना है तो मास जरूरी है, मोमेंटम फाइंड करना तो भी मास जरूरी है, एनर्जी फाइंड करनी तो भी मास जरूरी है। तो ये सब चीज़ों, जैसे काइनेटिक एनर्जी और ये सब में मास जरूरी है, किस में? लीनियर मोशन में। मतलब कोई भी बॉडी अगर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है तो उसमें जो इम्पोर्टेंस मास का है वही इम्पोर्टेंस मोमेंट ऑफ इनर्सिया का होता है रोटेशनल मोशन के अंदर। कहने का मतलब किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई होने वाला है, कितना टॉर्क अप्लाई होने वाला है, ये डिपेंड करेगा कि उस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या है, राइट? तो एक बॉडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इरेगुलर शेप बॉडी है और इस बॉडी पे छोटे छोटे मास है हमारे पास। मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी एन नंबर ऑफ मास से बनी होती है। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ, M1, M2, M3 अप टू MN, राइट? और सबका अपना अलग अलग डिस्टेंस है, सभी पार्टिकल्स का, जो कंस्टिट्यूइंग पार्टिकल्स है, राइट? सभी का डिस्टेंस, तो M1 के लिए R1 कंसीडर कर लेता हूँ, M2 के लिए R2, M3 के लिए R3, RN। ये डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं छोटा सा, और इसके बाद डेफिनेशन देखेंगे तो हमको पूरा समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया का बेसिक फार्मूला ये है कि मास वन, मतलब कंस्टिट्यूइंग जो पार्टिकल्स है उसमें से मास वन इंटू डिस्टेंस वन का स्क्वायर प्लस मास टू डिस्टेंस टू का स्क्वायर प्लस अप टू जितने नंबर ऑफ मासेस है वहाँ पर, वो सभी को हम लोग ऐसे ही लिखते जाएंगे। और इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग? दूसरा उसका फॉर्म ऐसा है, समेशन ऑफ, ये ऑपरेटर यूज़ किया हमने, MIRI स्क्वायर वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 to n लिखने का मतलब क्या है। देखो, 1 से स्टार्ट हो रहा है, n पे ख़त्म हो रहा है, और ये ऑपरेटर लगा, मतलब हम ये पूरा बड़ा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे ऊपर वाला, सिर्फ ऐसा भी लिखते हैं तो भी चलेगा। फाइनली इसका मतलब क्या है, ये छोटे छोटे मास को प्लस करना है, छोटे छोटे मास को प्लस करना हमको, और फिर उससे क्या बनेगा, बॉडी का पूरा पूरा मास मिल जाएगा, राइट? तो ये छोटा सा एक्सप्रेशन है। अब डेफिनेशन पे आता हूँ, डेफिनेशन अच्छे से सीखना, क्योंकि डेफिनेशन तुम्हारे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी होता है। डेफिनेशन में मैं कुछ अलग नहीं बोलने वाला हूँ, यही ये जो लाइन है ना, इसी को बोलने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ है, प्लस हुआ है, तो सम ऑफ, सभी प्लस हुए हैं ना, तो सम ऑफ प्रोडक्ट। अभी देखो प्लस किसका हुआ है, मास और डिस्टेंस का, मास कंस्टिट्यूइंग मास और उसका डिस्टेंस के स्क्वायर का, तो वही बोलना हम लोगों को और कुछ नहीं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंस्टिट्यूइंग मासेस ऑफ द बॉडी एंड क्या मास है और किसका स्क्वायर है, डिस्टेंस का ना, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैंने एक बताया, इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्सिया
तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब रोटेशनल डायनेमिक्स आपको पढ़ना है, रोटेशनल मोशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब इसके बाद ये फॉर्मूला फिर से मैं लिखता हूँ तुम्हारे लिए, मैंने जो लिखा ऊपर सम ऑफ m1 r1 square प्लस m2 r2 square, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, तो समझ सकते हो फिर से ये इसके बेस पर हम लोग लिख सकते हैं। ये दिखा रहा हूँ, ये लिखा जैसे ही मैंने, अब यहाँ पे एक रेडीमेड फार्मूला बन जाता है, टोटल मास ऑफ बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ टोटल एवरेज डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस। अब देखो इसमें ये जो एक्सिस है ना, अगर इस एक्सिस को मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूँ डायग्राम के अंदर, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया चेंज हो जाएगा और हमको कितना टॉर्क अप्लाई करना वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसके बोलते हैं डेफिनेशन के साथ साथ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी तुमको आना चाहिए। अब यूनिट और डायमेंशन की बात करता हूँ फटाफट। यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज इक्वल टू यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर। चलो अकॉर्डिंगली क्या लिख सकते हो डायमेंशन तुम, तो क्योंकि एग्जाम में तुमको एक दो मार्क्स के लिए पूछ देता है राइट, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो तुमको आना चाहिए ये केजी है और ये मीटर स्क्वायर, तो L2 m1 t0 राइट, परफेक्ट। चलो ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, और भी कुछ डाउट है तुमको स्पेसिफिकली किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है तो वो ज़रूर कमेंट करो, ताकि मैं वो वीडियो तुम बना के शॉर्ट वीडियो तुमको दे सकूँ, ताकि मैं वो अच्छे से तुमको समझा सकूँ, ठीक है। तो क्या करो, ये अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो की मतलब मैं ये मेरे काम का है, बोर्ड में बहुत हेल्प करने वाला है, तो अपने और भी फ्रेंड्स को शेयर करो और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करो, कम से कम पसंद आए तो लाइक तो कर दो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो रेडियस ऑफ गायरेशन का होने वाला है, तो चलो फटाफट चलते हैं, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए।